हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भाग्य। एक गांव में एक काफ़ी धनवान सेठ रहते थे। नाम था जिनका संपत राव। धन संपदा ऐसो आराम की उनको कोई कमी ना थी, परंतु पुत्र सुख उनके भाग्य में ना था। बड़े जतन पूजा पाठ करने के बाद सेठानी को पुत्री हुई। सेठ जी ने अपनी पुत्री को ही बड़े लाड़ प्यार से एक पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सेठानी हमेशा सेठ जी को एक पुत्र गोद लेने का कहती, लेकिन सेठ जी पुत्र सुख उनके भाग्य में न होने की बात कहकर सेठानी जी की बात टाल जाते। खैर, हर बेटी की तरह सेठ जी की बेटी भी शादी योग्य हुई और वह समय पर शुभ मुहूर्त देखकर सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी धनवान व्यक्ति से कर दी। परंतु बेटी के भाग्य में धन सुख न था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटी का पति जुआरी शराबी निकल गया और शराब और जुए में उसकी सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बेटी को इस तरह दुखी देखकर सेठानी जी भी दुखी होती। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के पास जाकर अपनी बेटी के दुख पर चिंता जताते हुए कहा, आप दुनिया की मदद करते हो, लेकिन यहाँ हमारी खुद की बेटी दुखी है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी भी बेटी के दुख से दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि जिस तरह उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, ठीक उसी तरह बेटी के भाग्य में भी अभी सुख नहीं है। उन्होंने सेठानी जी को समझाते हुए कहा, भाग्यवान, अभी उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है। जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद को तैयार हो जाएंगे और खोई हुई धन संपदा फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेठानी जी को तो अपनी बेटी के दुख की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, तभी उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी जी ने बड़ी आवभगत से अपने दामाद का आदर किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करवाया। तभी उनके मन में बेटी की मदद करने का विचार मन में आया और उन्होंने सोचा, क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं के बीच में सोने की असरफियाँ रखकर बेटी के घर भिजवा दी जाएं। बस सेठानी जी के सोचने भर की देर थी। उन्होंने जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनाए और एक एक सोने की असरफी लड्डुओं के बीच रखकर दामाद को टीका लगाकर देसी घी के लड्डू जिनमें असरफियाँ थी देकर विदा किया। लड्डू लेकर दामाद जी घर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक मिठाइयों की दुकान दिखाई दी। दामाद जी ने सोचा, इतना वजन कौन घर लेकर जाए, क्यों ना लड्डू मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाएं। बस फिर क्या था, दामाद जी के सोचने भर की देर थी। उन्होंने लड्डुओं से भरी थैली मिठाई की दुकान पर बेचकर नगद पैसे ले लिए और खुश होकर घर की ओर निकल पड़े। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा, क्यों ना घर के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू ले चलूं। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर गए जहां उनके दामाद ने मोतीचूर के लड्डू बेचे थे। सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। दुकानदार ने लड्डुओं की वही थैली सेठ जी को दे दी जो उनके दामाद कुछ ही देर पहले दुकानदार को बेचकर गए थे। लड्डू लेकर सेठ जी घर आए और लड्डुओं की थैली सेठानी जी को दी। लड्डुओं की वही थैली देख सेठानी जी ने लड्डुओं को फोड़ कर देखा तो उनमें से असरफियाँ निकली। असरफियाँ देख सेठानी जी ने माथा पकड़ लिया और बेटी की मदद करने के लिए दामाद जी को लड्डुओं में असरफियाँ छुपाकर देने की बात सेठ जी को बताई। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैं ना कहता था कि अभी धन सुख उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारी दी गई असरफियाँ फिर से घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गईं। तो दोस्त, इसलिए कहते हैं, भाग्य से बड़ा कोई नहीं। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है उसे वही नसीब होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।